हेलो लवलीज एंड वेलकम टू माय चैनल प्रियाज ब्यूटी जोन। मैं आपके लिए लाई हूँ एक रिक्वेस्टेड वीडियो। मुझसे काफ़ी टाइम से कुछ व्यूअर्स ये कह रहे थे कि दीदी आप एक स्पेशल वीडियो बनाइए जिसमें आप सेंसिटिव या एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए मेकअप टिप्स दीजिए। तो मैं ढूंढ करके लेकर आई हूँ बिकॉज आप जानते हैं कि मेरी अपनी स्किन जो है वो सेंसिटिव या एक्ने प्रोन नहीं है, तो मैंने अपने ऊपर चीज़ें ट्राई करके नहीं देखी हैं, लेकिन मैंने जितनी भी रिसर्च इंटरनेट पे करी है और जो कुछ भी मैंने पढ़ा है वो सब इकट्ठा करके मैं कुछ यूज़फुल टिप्स लाई हूँ आपकी सेंसिटिव स्किन के लिए कि आप किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करें और किस तरह से मेकअप को अप्लाई करें। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, ऑयली है, सेंसिटिव है, तो आपकी स्किन इरिटेट ना हो और आप भी कॉन्फिडेंटली अपने फेस पर मेकअप अप्लाई कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो एंड आई होप ये आप सबके लिए यूजफुल रहेगा। और अगर ये यूजफुल रहे तो डोंट मिस टू हिट ऑन लाइक बटन एंड प्लीज ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिया है ना आपने, नहीं किया भूल गए हैं तो रेड बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले आपको मेकअप अपने क्लीन फेस से शुरू करना है, जिसके लिए आपको एक माइल्ड फेशियल क्लेंजर चाहिए जिसमें हाइपोएलर्जेनिक फॉर्मूला हो जो आपको बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले कम से कम एलर्जिक रिएक्शंस देता है। तो इस क्लेंजर की बैक साइड पर मेंशन है कि ये डर्मेटोलॉजिकली प्रूवन है और ये आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता। नेक्स्ट एसेंशियल स्टेप है मॉइस्चराइजेशन। उसके लिए मैंने लिया है न्यूट्रोजेना का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर विद SPF 15। तो ये आपको सन प्रोटेक्शन के साथ साथ लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजेशन भी देगा और साथ ही ये एलर्जी टेस्टेड फॉर्मूला है जिसमें कोई फ्रेग्रेंस डाइज या एक्सेस इंग्रेडिएंट्स नहीं मौजूद। साथ ही ये नॉन कॉमेडोजेनिक है तो आपके पोर्स को क्लॉग भी नहीं करेगा। ये एलर्जीज के लिए टेस्टेड है, फ्रेग्रेंस और एल्कोहल फ्री है, तो इन वर्ड्स को जरूर ध्यान रखिए अपना मॉइस्चराइजर चूज करते टाइम। नेक्स्ट बारी है टोनिंग अप की। तो टोनिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैंने गुड वाइब्स का रोज टोनर लिया है। आप कोई भी प्योर रोज वाटर या ऑर्गेनिक टोनर स्प्रे कर सकते हैं अपने पूरे फेस पर, क्योंकि ये आपके स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। तो ऑलवेज गो फॉर अल्कोहल फ्री टोनर्स और गुड वाइब्स का ये टोनर अल्कोहल फ्री, पैराबीन फ्री और सल्फेट फ्री है। सो नाउ योर सेंसिटिव स्किन इज प्रिपेयर्ड और अब हम रेडी हैं मेकअप के लिए। सबसे पहले हम लगाएंगे फेस पर प्राइमर। सेंसिटिव स्किन के लिए आपको पोर करेक्टर प्राइमर या फिर ऑयल फ्री एंड ग्रीस फ्री प्राइमर्स चूज करने चाहिए। मैं यहाँ ब्लू हेवन्स का प्राइमर ले रही हूँ जो ऑयल एंड ग्रीस फ्री प्राइमर है। ये एक लाइट वेट फॉर्मूला है जो सिलिकॉन्स और विटामिन्स का कॉम्बिनेशन है टू सूथ एंड मैटिफाई योर स्किन। साथ ही ये एक ऑयल फ्री प्राइमर है और ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। फेस प्राइमर एक जरूरी प्रोटेक्टिव लेयर आपकी स्किन पे बनाता है ताकि उसके ऊपर आने वाली फाउंडेशन आपकी स्किन के साथ रिएक्ट ना करे। नेक्स्ट स्टेप है अप्लाइंग फाउंडेशन। तो मैं ले रही हूँ मेबलिन की फिट मी मैट पोरलेस फाउंडेशन और ऑयली और सेंसिटिव स्किन के लिए रेकमेंडेड होती हैं मिनरल पाउडर फाउंडेशंस या वाटर बेस्ड लिक्विड फाउंडेशंस जो कि आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करती, साथ ही साथ आपकी ऑयली शाइन को मैटिफाई रखती हैं। तो आप फाउंडेशन चूज करने के टाइम जरूर चेक कर लें कि वो नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट हो। मेबलिन फिट मी यही क्लेम करता है कि इसके अंदर इस तरह के माइक्रो पाउडर्स हैं जो आपके पोर्स को इरेज करते हैं, ऑयल को एब्जॉर्ब और आपको नेचुरली मैट और पोरलेस फिनिश देते हैं। नेक्स्ट बारी है कंसीलिंग और हाइलाइटिंग के लिए। उसके लिए भी मैंने मेबलिन फिट मी का कंसीलर लिया है इन शेड मीडियम 25 और आपको कम से कम प्रोडक्ट लगाना चाहिए सेंसिटिव और एक्ने प्रोन स्किन पर। और मेबलिन का ये कंसीलर आपको एक मीडियम बिल्डेबल कवरेज प्रोवाइड करता है एंड इट हाइड्स योर एक्ने स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन। साथ ही आपको ये मैट फिनिश देगा और 6-7 आवर्स के लिए आराम से टिका रहेगा। ये एफर्टलेसली ब्लेंड हो जाता है और साथ ही आपकी अंडर आईज को ब्राइटन अप भी कर देगा। नेक्स्ट आपको चाहिए एक नॉन स्टिकी मैट पाउडर टू सेट योर फाउंडेशन एंड कंसीलर। लैक्मे सन एक्सपर्ट विद SPF 40 वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस है। ये एक डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड नॉन स्टिकी और मैट सन प्रोटेक्शन पाउडर है, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। अब हमें अपने मेकअप में हमेशा सनस्क्रीन को रीटच करना पड़ता है आफ्टर फ्यू आवर्स, तो मेकअप रिमूव करके तो नहीं कर सकते, इसलिए ये पाउडर बहुत हैंडी रहता है और आप इससे टचअप्स कर सकते हैं और साथ ही सन प्रोटेक्शन भी पा सकते हैं। पाउडर को अप्लाई करते टाइम अपने टी जोन यानी नोज के अराउंड वाले एरिया पर जरूर पाउडर को डैब करें ताकि वहां से कम ऑयल सिक्रीट हो। और इसके साथ ही मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर रही हूँ निविया के सुपर सॉफ्ट लिप बाम से। और अब हमारा बेस मेकअप कंप्लीट है। इसे हम सेट कर लेंगे और लॉक करेंगे एक मेकअप फिक्सर स्प्रे से।
उसके लिए मैंने लिया है NYB का ब्रॉडवे रेडी मेकअप फिक्सर। इसको अपने फेस से 6-8 इंचेस दूर रखकर स्प्रे कीजिए और स्प्रे करने से पहले बॉटल को शेक करना बहुत जरूरी है। एक ऐसा स्प्रे चूज करें जो लाइट वेट और नॉन स्टिकी टेक्सचर में हो और आपकी स्किन को इंटेंस हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करे। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स। इसके बाद का मेकअप तो सारी स्किन टाइप्स के लिए सेम है। आप पाउडर ब्लश अप्लाई कर सकते हैं अपनी सेंसिटिव स्किन पर, पाउडर कॉन्टूर कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप क्रीम वाले प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, जैसे कि क्रीम ब्लश या लिक्विड ब्लश या क्रीम कॉन्टूअर्स। और मैं अपनी कॉन्टूरिंग और ब्लशिंग करने के बाद बाकी का आई मेकअप जल्दी से कर लूंगी ऑन फास्ट स्पीड मोड, क्योंकि वो तो आप मेरी बाकी ट्यूटोरियल्स में भी देखते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब प्रोडक्ट्स की डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन चीज़ों के अलावा भी कुछ टिप्स ज़रूरी हैं। हमारी स्किन टाइप सेंसिटिव स्किन टाइप इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हम लाइफ में बहुत स्ट्रेस लेते हैं, और ये किसी भी एज में हो सकता है कि हमारे फेस पर एक्ने, ब्रेकआउट्स होने लगें, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकते हैं, या फिर लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ डाइट एंड लैक ऑफ हाइड्रेशन से भी ये फ्लेयर अप हो जाता है। तो आप खूब अच्छा पानी पीजिए दिन भर में, अच्छी डाइट लीजिए और अपनी नींद जरूर पूरी कीजिए। इससे हमारे स्किन की टाइप और टेक्सचर में बहुत इम्प्रूवमेंट होती है। अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, इट मीन्स अ लॉट टू मी, एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं इसी तरह के यूजफुल वीडियोज लेकर आती रहूंगी। जल्दी ही मिलती हूँ आपको फिर से, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।